बाबा भगत सिंह जी का तपस्थान जिसकी नींह सन 1962 नू रखी गई सी अते उसे वेले ही लंगर शुरू किया गया जो कि आज तक चलता है। बाबा जी का कथन सी कि जुलम नू तेग अते देग ही रोक सकती है। भारत अते चीन विरकार छिड़ी जंग दौरान बाबा जी का कथन सी कि लंगर शुरू कर दो चीन उथे ही रुक जाएगा अते इसे तरह ही होया। उस वक्त तो चल रहा लंगर आज तक भी खुला है।
स्थान से सारिया सिख संगत बराज रही हैं। जिथे कि दशमेश पिता जी ने होला महला मना दे संगत उपदेश दिता से, क्योंकि दशमेश पिता जी ने होले महले के संबंध में संगत वीर रस भरिया, सिंह दो टोलियां बना के आपस में उन्होंने युद्ध अभ्यास करा, क्योंकि जो दशमेश पिता जी का जन्म होया उदो हिंदुस्तान की धार्मिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, समाजिक तौर पर जो दशा सी इतनी गिरावट वाली सी कि मुसलमाना ने मुगल साम्राज ने इतों की हिंदुस्तान की जनता को इतना लताड़िया होया सी, सारे पक्षों तो बहुत बुरी हालत सी। सो महाराज ने 1699 के सिंघां नूं अमृत बाटे का अमृत छका के शेर बनाया ते होला महला मनाउणा शुरू किया तां कि सिंघां दे विच वीर रस पैदा हो सके। सो दशमेश पिता जी अपनी जिंदगी दे 29 साल इस आनंदपुर साहब दे विच रहे। सो उन्हां दे विचों एक भाई नंद लाल स्कूल जिथे कि आप विराजमान हो, बहुत सुंदर इमारत श्रोमणी कमेटी के सहयोग के नाल ते संत बाबा खुशहाल सिंह जी दास वल्लों इस स्थान की सेवा कराई गई है। सो मैं संगतां नूं अज होले महल्ले के संबंध में बेनती करांगा कि सारिया सिख संगत अपने बच्चों धार्मिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर दशमेश पिता दिते हुए जो पूरने हैं उन्होंने चलण का उपदेश देन। सारे सिंघां नूं बेनती है कि नशियां बकारा नूं छड़दे हुए, समाजिक रीतियां नूं छड़दे हुए खंडे बाटे का अमृत छकन, ता कि साडा केसगढ़ साहब आनंदपुर साहब विखे आया सफल हो सके, क्योंकि दशमेश पिता जी ने साडे वास्ते इतनी वड्डी कुरबानी कीती है कि दुनिया के उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अपने पिता नूं वारिया साडे वास्ते, चारे पुत्रां नूं वारिया, उस तो बाद माता जी नूं भी साडे वास्ते वारिया, तां कि जो हिंदुस्तान दी गुलामी दीआं जंजीरां सन जो कि सदियां तो चलिया आ रही सन उन्होंने तोड़न वास्ते दशमेश पिता जी ने यह बहुत वड्डा उपराला किया। अ सारिया सिख संगत उन्हां दी देण करके ही धार्मिक तौर पर आजादी के तौर पर विचर रही हैं। सो मैं अंत दे विच फिर अपने वीरां नूं बच्चियां नूं उपदेश देवांगा, बेनती करांगा कि नशे बकारां नूं छड़दे होए धार्मिक तौर पर परपक्क हो के अपने जीवन नूं वधिया ढंग दे नाल गुरबाणी दी सेध लेके गुजारन। सो साडा इत्थे